ये रहा वो पाउच, और अजीओ से मैंने मंगाया था, तो आज के ब्लॉग में हम इसी को ज़रा अनबॉक्स कर लेते हैं। सो हे हाय हेलो दोस्तों, तो आज के मेरे इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के करीबन 11 बज रहे हैं, 11:30 टाइम हो रहा है अभी, और मैं नाश्ता वास्ता करके सफाई सफुई करके सब कुछ रेडी कर चुका हूँ। और कल मेरा एक पार्सल आया था, तो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं की हुई थी। और वो पार्सल था, कुछ स्लीपर्स थी, और मैं आपको दिखाऊंगा और आप मुझे ज़रूर बताना कि वो कैसी लग रही है मुझे, ठीक है? तो ये रहा मेरे पास वो पाउच, ठीक है, ये रहा पार्सल। तो देखते हैं क्या है इस पाउच के अंदर। तो ये है, रेड टेप की है, और कैसा लग रहा बताना आप लोग, आप लोगों को क्या पसंद आया, क्या मुझे लेना चाहिए। बट मुझे थोड़ा छोटा हो रहा है और ऐसा कुछ मेरी चप्पल आ रहा है, तो कैसा लग रहा मुझे बताइए ज़रूर। तो ये रहा वो पाउच, और अजीओ से मैंने मंगाया था, तो आज के ब्लॉग में हम इसी को ज़रा अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, नीड हेल्प ड्राइवर कस्टमर केयर सेक्शन, ठीक है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो ये रहा मेरा, कुछ इसकी जो कॉस्ट आई थी वो 750 की आई थी, और ये वैसे तो कुछ महंगा था, तो इसमें 50% ऑफ चल रहा था, तो 50% ऑफ पे मैंने लिया हुआ है। और चलिए दिखाते हैं, वैसे मैं इसको फाड़ चुका हूँ, बट मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इसमें क्या आया था। तो इसमें ये पाउच आया है ये, और इसमें कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर, आप मुझे ज़रूर बताना कैसे लग रही है। मैंने पहली फ़र्स्ट टाइम मंगाई है, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता शायद अजीबो से कैसा आता है, बट अच्छा ही लग रहा है। तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो ये रही, देख सकते हैं आप, अगर आपको दिख रहा हो ये देखिए, 1499 की ये स्लीपर है, 1499 की। अभी इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं तो स्लीपर ही बोल रहा हूँ। तो 1499 यानी कि 1500 रुपये की है ये, और ये है आपके पास रेड टेप की है, और मुझे ये पड़ी 750 की। तो ये कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर बताना, ये है क्या मुझे चेंज करनी चाहिए या अच्छी लग रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ, वैसे मुझे छोटी हो रही है, बट चल जाएगा काम, इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, देखते हैं। सो दिस इज़ छोटी हो रही थोड़ी सी ना, है ना? तो आई थिंक मुझे बहुत लोगों ने बोल दिया कि छोटी हो रही है, तो मुझे शायद थोड़ी चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि एक साइज़ मुझे बड़ा लेना पड़ेगा, है ना, छोटा हो रहा है थोड़ा सा। तो इसको मैं एक साइज़ बढ़ा दूंगा, ये पाँव तो सही आ रहा है बट इस पाँव पे छोटा हो रहा है। तो यार ये था मेरा कुछ जो मैंने मंगाया हुआ था, ठीक है। तो चलिए ब्लॉग में देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए आप ब्लॉग बने रहें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि ये कैसा लग रहा है आपको। चलिए आगे मिलते हैं। जैसे कि आज देख रहे होंगे, आज मौसम बहुत ख़राब है यहाँ पे, और मेरे चारों ओर तो काफ़ी ख़राब है मौसम, जैसे देख सकते हैं, देखो पहाड़ी पे पूरा ऊपर पूरा काला हुआ है, ये पूरा नैनीताल वाला एरिया दिख रहा है मुझे, पूरा साइड पर जो आपको ऊपर दिख रहा है ये पूरा नैनीताल वाला एरिया है जो सामने दिख रहा है आपको। और ये है मेरे सामने का कुछ मेन रोड, तो काफ़ी मौसम ख़राब है, बारिश हुई थी रात में, तो अभी तो मौसम ख़राब है, देखिए फिलहाल क्या होता है, क्या बारिश होगी आज देखते हैं। और एक बात मैं आप सबके साथ करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी मुझे आइडिया देना, वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है बट मैंने फिर भी कोशिश करी है। तो जैसे मेरी किचन है, तो मेरी किचन अप्रॉक्स नीचे का जो मेरा एरिया बैठ रहा है, क्योंकि मैं मॉड्यूलर किचन बना रहा हूँ, तो उसमें जो नीचे वाला एरिया बैठा है मेरा, वो करीबन बैठा हुआ है 10 फीट एरिया है, तो 3 उसकी हाइट हो गई, तो 10 10 3 30 हो गया, तो 30 फिट स्क्वायर फिट मेरा वो बैठ रहा है। और ऊपर की जो स्लैब है, जो ऊपर से स्लैब आती है, जैसे मेरी वॉल देख रहे हैं ऊपर स्लैब आएगी, तो उसमें करीबन करीबन 10 फिट वो है, और 2 फिट की उसकी हाइट रहेगी, तो 20 फिट वो हो गया, तो टोटल मेरा 50 फिट जो किचन बैठ रही है। और 50 फिट किचन की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, और मुझे जो कॉस्टिंग पड़ी है 50 फिट की, वो मुझे कॉस्टिंग पड़ी है 900 स्क्वायर फिट के हिसाब से।
तो शायद मुझे लगता है कि अभी जो जो रेट चल रहा है वो शायद 1000 का चल रहा है, 1000-1200 1100 का चल रहा है। तो मुझे 900 के हिसाब से कॉस्टिंग पड़ी है, और वो प्लाईवुड पे नहीं आता है, वो कुछ बोर्ड आता है जिसको बोर्ड का नाम मुझे पता नहीं क्या होता है, तो वाटरप्रूफ होता है, वो ख़राब नहीं होता जल्दी से। तो उसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ रही है 900 के हिसाब से, और मेरा टोटल 45,000 का मुझे वो किचन का पूरा टोटल पड़ रहा है, मॉड्यूलर किचन का, और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उस पर, तो टोटल मिला के अप्रॉक्स मुझे 55 तक मुझे किचन पड़ रही है। और किचन का कॉस्टिंग क्या होती है, किचन की कॉस्ट कितनी होती है, और किचन की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सबों के घर में जो है वो किचन बनी होगी, तो आप मुझे ज़रूर एक हिंट दे दें। मैं आप सभी लोगों से राय ले रहा हूँ कि कितना कॉस्टिंग होना चाहिए एक किचन का, और क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए। और एक मैंने उस पर टेबल बनाई हुई है, थोड़ा सा वॉश बेसिन का जो टेबल वगैरह होता है कुछ ऐसा, कुछ वॉश बेसिन जो है उसमें मतलब पूरा पैक रहेगा, बाहर दिखेगा नहीं, तो ऐसा कुछ टेबल है, तो वो भी पूरा मेरा पूरा बोर्ड का बन रहा है। तो उसकी भी जो कॉस्टिंग है अप्रॉक्स 12,000 मेरे को बोला था, तो 12,000 में वो बन रहा है। तो आज मैंने वो सब कुछ दिया अपना, नपाई उपाई हो रखी है उसकी, तो देखो बहुत जल्द मैं वो किचन दिखाऊंगा मेरा कैसा बन रहा है। और कॉस्टिंग आप मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों से राय ज़रूर लूँगा। और मिलते हैं आगे इस ब्लॉग में, तब तक बने रहे, ब्लॉग को कंटिन्यू करें, बाय। तो अभी मैं दिन का खाना वाना लंच वंच करके थोड़ा सा मैं सो गया था, और अभी दिन के बज रहे हैं करीबन 3 बज रहे हैं, 2:30 या 3 हो रहा है, और अभी जस्ट बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। चलिए बारिश दिखाते हैं आज आपको, नेचुरल बारिश। तो हम लोग आते हैं अपने ऊपर की तरफ, चलिए हम आपको दिखाते हैं नेचुरल बारिश। ये देख सकते हैं क्या हम बारिश देख पाए, चलिए हम आपको दिखाते हैं बारिश दिखाते हैं। देख सकते हैं वेदर कितना ज़बरदस्त हो चुका है, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। और ये है मेरा कुछ लोकेशन घर का, देखिए चारों तरफ मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और हल्की हल्की बूंदाबांदी है हल्द्वानी में, और मौसम काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं ये मेरे सामने का व्यू है, कुछ ऐसा व्यू निकलता है। ये रोड जो है आपको ये जाती है नीचे को रामपुर रोड पे जाके मिल जाती है, और उधर मेरे ठीक सामने रामपुर रोड है। तो ये मेरे घर का कुछ व्यू है ऐसा, मैं आपको अपने घर का भी व्यू दिखा देता हूँ, छत का व्यू कुछ ऐसा है मेरा। और तो आज का ऐसा कुछ मौसम है, तो चलिए फिर से हम लोग नीचे चलते हैं। ये हम अंदर एंटर कर चुके हैं, तो आज का अपने मौसम देखा कितना ज़बरदस्त मौसम हो चुका है, और कल भी कुछ ऐसे ही यहाँ पर मौसम था, कुछ बारिश बारिश सी हो रही थी हल्की हल्की सी, और आज भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो चलिए हम कुछ यहाँ बैठ जाते हैं। और तो आपने आज का वेदर देखा, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है हल्द्वानी में, 2-3 दिन से कुछ ऐसी बारिश वगैरह लगी रहती है। और अभी हम लोग इसके बाद, अब मैं बनाने आऊँगा चाय, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होते हैं और चाय बनाते हैं क्योंकि काफ़ी ठंडा हो चुका है, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और आज के ब्लॉग में मैं आपको एक ख़ास बात बताने वाला हूँ, तो ब्लॉग को कम्प्लीट देखिएगा, इस ब्लॉग में आज एक ख़ास बात होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, अपने लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो इस ब्लॉग में आगे ज़रूर बनिए। और ब्लॉग को यार बिल्कुल कुछ लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देते हैं, तो ऐसा ना करें प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अगर कुछ कमियां हो जाएं तो क्षमा चाहते हैं, अपनी कमियों को ज़रूर बताइए, और हेट कमेंट्स ना करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दिल से गुजारिश है। मैं कोई इस काम में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट कोशिश करता हूँ अच्छा करने का,
और चलिए चाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, तक बाय। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चाय लेते हैं आज। और ये रही हमारी चाय, तो हम लोग चाय पीते हैं बड़े चाव से। अब देखिए सामने बारिश बड़ी ज़बरदस्त हो रही है आज, मतलब मज़ा आ गया मौसम में। और ज़रूरी भी था, बहुत गर्मी हो रही थी। आपको पता है जैसे हल्द्वानी के अंदर वैसे ही बहुत गर्मी होती है, तो 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ रही थी, और मतलब हालत ख़राब थी गर्मी से। तो ठीक है, थोड़ा मौसम एक्सचेंज होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चाय पीते हैं और आप लोग बने रहें ब्लॉग में। और देख, ये है कुछ शाम का नज़ारा यहाँ का, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है। अभी शाम के बज रहे हैं करीबन 7:30, 7:30 बजे का सीन, देख सकते हैं कितना रोमांटिक।